बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट में 7G एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 19 से टीच करने जा रहा हूं। देखिए यहां पर साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स आपका एक्स है अपान में 1 - x^2 3/2। यहां पर अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को टी लेट करता हूं तो इंटीग्रेशन तब भी नहीं होगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है, तो आला आप जरा इस चीज को ध्यान दें। साइन इनवर्स एक्स 1 - x^2 3/2 है, तो इसको मैंने इस तरह से रिटेन किया, आर यू ओके? तो 3/2 इस तरह से कैसे ब्रेक हुआ समझिए, 1 - x^2 ये 1 हो गई और 1 - x^2 रूट का मीन्स होता है पावर 1/2। अब पावर को ऐड करिए तो 1 + 1/2 आपका 3/2, तो ये जो पावर 1 - x^2 यहां पर 3/2 जो आपका है इसको 1 - x^2 और रूट में से रिटर्न कर सकते हैं। ये इसका रीजन कि मल्टीपल में पावर आपका ऐड होता है, तो यहां पर हम ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए को ध्यान दें और विशेष ध्यान दें, तो मल्टीपल में पावर जो आपका है वो ऐड होता है, इसलिए हम इसको ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने साइन इनवर्स एक्स को टी लेट किया, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टी, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टी, जैसे साइन इनवर्स एक्स को टी लेट करते हैं तो एक्स इक्वल आपका हो जाएगा साइन टी, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 / √1 - x^2 dx = dt। देखिए साइन इनवर्स एक्स को मैंने यहाँ टी लेट किया तो एक्स इक्वल आपका साइन टी हो जाएगा बाई इनवर्स फंक्शन से। अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 / 1 - x^2 और डीएक्स इक्वल आपका डीटी हो गया। अब देखिए इसको पुट अप करते हैं, ये जो साइन इनवर्स एक्स है इसके प्लेस पर टी हो गया, ओके 1 / 1 - x^2 1 - x^2 ये देखिए डीएक्स इसके इक्वल डीटी हो गया। अब प्रॉब्लम ये फंसे कि ये कहां जाएगा, तो एक्स इक्वल आपने क्या लेट किया साइन टी, तो यहां पर 1 - क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर टी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो टी हो गया 1 - sin² टी जो होता है सभी को पता होगा बाय ट्रिग्नोमेट्री ये कॉस टी होता है, कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा 1 - sin² जो आपका है बाई ट्रिग्नोमेट्री ये आपका कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा भैया। अब देखिए कॉस स्क्वायर ऊपर आपका जाता है तो टी सेक स्क्वायर टी, टी सेक स्क्वायर टी होगा, टी एक 1/cos है जैसे ऊपर ट्रेवल करेगा तो सेक स्क्वायर टी हो जाएगा सेक स्क्वायर टी। अब देखिए आईलेट के अकॉर्डिंग आईलेट लिख देता हूं मैं, आईलेट के अकॉर्डिंग इस बात को अगर ध्यान दें यहां पर हमारे पास एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो देखिए एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिकल को अगर हम चेक करते हैं तो एल्जेब्रिक यहां पर पहले है और ट्रिग्नोमेट्रिकल आपका बाद में है, तो 100% एल्जेब्रिक को यहां पर फर्स्ट लेट करेंगे, एल्जेब्रिक को क्या लेट करेंगे फर्स्ट लेट करेंगे, तो फर्स्ट इंटू होता है सेकेंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन स्टार्ट dy dt फर्स्ट, फर्स्ट कौन है t, सेकेंड आपका ऑलरेडी sec स्क्वायर t और dt पूरे का होल dt आला। अब समझिए यहां पर t अपने प्लेस पर है
sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या हो गया, tan t, क्या हो गया, tan t। यहां से देखिए इंटीग्रेशन आपका लगा है, t का 1 हो गया, sec स्क्वायर का हो गया tan t, और ये dt। देखिए t का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो इसकी बात तो खत्म हो गई, और ये जो sec स्क्वायर आप t देख रहे हैं, sec स्क्वायर t, इसका इंटीग्रेशन tan t आपका हो गया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया आपका, tan t हो गया। अब t tan t का होता है माइनस log cos t, तो माइनस माइनस प्लस log cos t n प्लस t। अब क्वेश्चन जो आपका था वो x में था, और ये पूरा फॉर्मेट आपका किस में है, t में, तो इसको इंटीग्रेशन तो हो गया लेकिन अभी इसे x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि ये t sin t log cos t plus t, अब इसे t से x में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका t है, तो t पर आपका sin inverse x, अब ये जो tan आपका है, इस tan को sin में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो t पर आपका हो गया sin inverse x, sin इनवर्स आपका x, और tan t को अगर x में कन्वर्ट करेंगे x अपॉन अंडर रूट आपका 1 माइनस x की पावर 2 होगा, और प्लस आपका हो जाएगा log, यहाँ जगह नहीं है मैं किधर लिखता हूँ, तो t की जगह आपका हो जाएगा sin इनवर्स x, tan को आप x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x की पावर 2 प्लस log cos t, log cos t, तो cos t के प्लेस पर हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर n प्लस c। अब ये हुआ कैसे भाई, sin t इक्वल x है, तो sin t से tan t को फाइंड करते हैं, जब tan t को आप फाइंड करेंगे तो आपका x अपॉन 1 माइनस x की पावर 2 आएगा, cos t को जब आप x में कन्वर्ट करेंगे तो ये फाइंड होगा कैसे, बाय ट्रिग्नोमेट्री। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ फ्रेश होता है, और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x की पावर 2 3/2। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 3/2 को आप x tan inverse x, इसको 1 प्लस x की पावर 2 विद इन रूट में 1 प्लस x की पावर 2 रिटेन कर सकते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ये बात बताई थी। यहां से आगे बढ़ते हैं, लेट tan inverse x इक्वल टू t, यहां से आपका x इक्वल tan t आ जाएगा। tan इनवर्स x को आपने t लेट किया तो x इक्वल आपका tan t हो गया, x इक्वल क्या हो गया tan t। डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 2 dx इक्वल आपका dt हो गया। तो आइए रखते हैं, x इक्वल आपने t tan t हो गया, tan इनवर्स x के लिए t हो गया, तो t tan t अपान 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर, 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर, 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल आपका यहां dt है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा dt, और 1 प्लस x के प्लेस पर tan t रखते हैं तो ये आपका tan स्क्वायर t हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो t tan t, t tan t 1 प्लस tan स्क्वायर जो आपका होता है वो sec स्क्वायर t होता है, sec स्क्वायर t, तो t आपका tan t हो गया, sec स्क्वायर t को sec t हो जाएगा n dt, इस tan को आप sin अपॉन cos में चेंज कर लें, sin t अपॉन
cos t, ठीक है। इस sec को आप 1 अपॉन cos में कन्वर्ट कर लें, फिर sec tangent, तो हमारे पास क्या यहां पर बचता है, इंटीग्रेशन t sin t, t sin t dt, आर यू ओके। हमारे पास क्या फाइंड होता है, t sin t फाइंड होता है। अब किस t sin t को कैसे करेंगे, ये जो t आप दिख रहे हैं ये एलजेब्रिक है, ये कैसा, ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो एलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिकल को चेक करते हैं, तो एलजेब्रिक यहां पर पहले है और ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में, एलजेब्रिक पहले है ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में। तो एलजेब्रिक को आप यहां पर फर्स्ट लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिकल को आप यहां पर सेकंड लेंगे, देखिए। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन स्टार्ट डीवाईडीटी फर्स्ट, फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन पूरे का होल ऑफ डीटी, पूरे का होल ऑफ डीटी हो गया। सो नो डाउट साइन टी का होता है माइनस कॉस टी, टी का वन हो गया तो साइन टी का माइनस माइनस आपका प्लस कॉस टी हो जाएगा, माइनस टी कॉस टी, और कॉस का फिर एक बार इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन टी हो जाएगा एन प्लस टी। अब ये क्वेश्चन मैं एक्स में लेकर चला, लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान दें ये टी में पूरा कन्वर्ट हुआ है, तो हमें इस टी को वापस एक्स में ले जाना पड़ेगा, बैक करना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास एक्स इक्वल टेन टी है और टेन टी इक्वल एक्स हो गया, तो सबसे पहली चीज है कि टी जो आप देख रहे हैं टी इक्वल टेन इनवर्स एक्स हो गया। अब कॉस को हमें एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस टी को साइन टी को भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए तरीका ये होता है कि मैं आपको बता रहा हूं, ये एक ट्रायंगल जैसे आप ड्रा करते हैं, साइड में बता रहा हूं, तो ये आपका टेन टी स्क्वायर टू एक्स है, तो इसके नीचे वन ले लें, तो परपेंडिकुलर मान बेस, तो ये आ जाएगा वन अपान वन प्लस एक्स की पावर टू रूट में, रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इससे कॉस निकालना है ना? पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का। तो यहां पर अगर आप देखें cos t आपको फाइंड करना है, तो cos t अगर फाइंड करना है तो cos का मतलब बेस अपान हाइपोटेंस, तो बेस अपान हाइपोटेंस, तो यानी बेस अपान हाइपोटेंस का मतलब ओनली x हो गया, देखिए बेस अपान हाइपोटेंस बन रही है, और t को आप देख ही रहे हैं t इक्वल आपका tan इनवर्स x हो जाएगा। तो इसी तरह से हम यहां पर चेंजेस करते हैं, इसी तरह से हम यहां पर चेंजेस, तो आप देख रहे हैं कि जो t है t इक्वल आपका ऑलरेडी tan इनवर्स x हो जाएगा, तो माइनस t के प्लेस पर आपका हो गया tan इनवर्स x। लेकिन जो cos t मैंने बताया, cos का मतलब होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस देखिए क्या है 1 और हाइपोटेनस क्या है अंडर रूट में 1 प्लस x की पावर 2, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस x की पावर 2 प्लस sin, तो sin t का बेस हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपका x है और हाइपोटेनस देख ही रहे हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये एग्जैक्टली आंसर हो गया। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, ना ही डरना चाहिए। हमारे पास tan इनवर्स x इक्वल t है तो x इक्वल tan t हो गया, x इक्वल tan t, तो tan t इक्वल x अपॉन 1, तो मैंने इसको बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया, इस थर्ड साइड को यहाँ पे निकाल दिया, इस ट्रायंगल की थर्ड साइड को निकाल दिया। ये काम आपको अलग करना है, रफ में करें चाहे साइड में कर लें, तो t को वापस x में ले जाना, सिर्फ इतनी सी बात है, आर यू ओके। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें भाई। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है cosec cube x, इसको मैंने cosec x cosec x into cosec square x में ब्रेक किया,
अब यहां पर आप देखें, इसको मैं स्पेशल इंटीग्रेशन है, कॉसेक स्क्वायर इसको आप सेकंड लेंगे, इसको फर्स्ट, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड जो आपका है वो कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन स्टार्ट। तो यहां पे फर्स्ट आपने इसे लिया है तो डीवाई डी एक्स फर्स्ट, डीवाई डी एक्स फर्स्ट आपका हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स पूरे का होल डी एक्स। समझिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन स्टार्ट, डीवाई डी एक्स फर्स्ट एंड सेकेंड। आर यू ओके? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिस तरह से कॉसेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन होगा उसी तरह से आपका सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन होगा। तो सो वी नोट आउट, यहां पर ध्यान दें, आई इज इक्वल टू आपका कॉसेक एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स। ओके, अब यहां देखिए कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स और इनटू कॉट एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, और फिर कॉट एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन यहां पर माइनस कॉट एक्स हो गया। ओके, अब पूरे का होल डीएक्स, समझिएगा डीवाई डीएक्स कॉसेक एक्स है, डीवाई डीएक्स आपका कॉसेक एक्स है, तो कॉसेक एक्स का कॉसेक एक्स इनटू कॉट एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, इसमें ही माइनस बार आता है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अब ये नेगेटिव फिर बार आ जाएगा, माइनस प्लस का ये माइनस यहां पर हो गया, और कॉसेक एक्स अपने प्लेस पर है, कॉट और कॉट, कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉसेक एक्स को आप यहां पर टच नहीं कर रहे हैं, कॉट स्क्वायर एक्स को कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये माइनस है भाई, कॉट स्क्वायर एक्स के प्लेस पर कॉसेक स्क्वायर माइनस वन मैंने रिटर्न किया, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर कॉसेक क्यूब एक्स, और इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कॉसेक एक्स डी एक्स, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस कॉसेक क्यूब एक्स आ गया, कॉसेक क्यूब एक्स हो गया, और माइनस माइनस आपका प्लस कॉसेक एक्स डी एक्स आपका हो गया। तो सो वी नो डाउट, ध्यान दें इसके प्लेस पर आप आई रिटेन कर सकते हैं, और ये जो कॉसेक एक्स लिख रहे हैं इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, अब देखिए समझिए, मैंने i इक्वल कॉसेक क्यूब एक्स लिख किया और वही चीज मुझे यहां पर फाइंड हो गई, तो इसके प्लेस पर मैं i को लिख सकता हूं, रिटर्न कर सकता हूं, और ये देखिए ऑलरेडी आपका i इक्वल चल रहा था तो माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स पूरा ऐसे चला आएगा, कितनी बार, एक बार, वन टाइम, टू टाइम, और ये 3 times। अब यहां पर देखिए आई इक्वल चल रहा है, आई आपको ये फाइंड हुआ तो आई इधर आएगा तो आई और आई कितना हो गया आपका 2i, और यहां पर है क्या माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग कॉसेक एक्स माइनस आपका कॉट एक्स। ओके, अब ये 2 का आ जाएगा नीचे तो माइनस 1/2 कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस 1/2 आपका लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स एन प्लस। ओके, आई पर ले चले थे कॉसेक क्यूब एक्स की वैल्यू हमको यहां पर फाइंड है, तो ये आपका एग्जैक्टली यहां पर सॉल्यूशन है। ओके, जल्दी से